दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं P3 से प्लान की। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 24x33 का ये प्लान है। हालांकि पूरा 20x33 में भी नहीं बना है क्योंकि यहाँ पर मैंने पोर्च डिजाइन किया और इसके बाद पोर्च के जो लेफ्ट और राइट साइड में स्पेस बचता है वो खाली पड़ा है, वहां पर मकान नहीं दिख रहा है। तो ये पूरा 24x33 फीट पर मकान बना हुआ है। ये देख सकते हैं कॉर्नर का प्लॉट है और यहाँ पर टू साइड क्लोज है और टू साइड ओपन है, और टू साइड जहाँ भी स्पेस है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो आप पूरा प्लान पहले आप देख लीजिए, मैं राउंड करके आपको दिखाता हूँ। इधर आपका क्लोज्ड है और इधर एक कॉर्नर में क्लोज्ड है दोनों तरफ और एक कॉर्नर जो है वो आपका ओपन है। तो यहाँ पर देख सकते फ्रंट, इसका मेन फ्रंट ये होने वाला है, ये फ्रंट डिजाइन है। और इसके बाद ये साइड का डिजाइन है जहाँ पर मैंने पोर्च वगैरह दिया है। जो एक रिक्वायर्ड मॉडल था वो पूरा ये बना हुआ है, ये आप इसे देख सकते हैं चारों तरफ से। इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, विंडो का डिजाइन वगैरह, ये मॉडर्न हाउस डिजाइन है। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप ज्यादातर ऐसे मकान देते हैं जो विलेज में बनाए जा सकते हैं, बट ये मकान ऐसा है जो आप कहीं पर भी बना सकते हैं और बेहतरीन सा भी मॉडल आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 23 24 इसका फ्रंट है और 33 इसका लेंथ है। तो ये पूरा मॉडल ये इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए सुनो लगातार, मैं हूं झगड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहते हैं और यहाँ पर आपको जो भी मॉडल मिलते हैं वो लो बजट मिलते हैं और बेहतरीन सा फ्रंट एलिवेशन के साथ डिजाइन देखने को मिलता है। तो आज का जो प्लान है 24x33 उसे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर डबल स्टोरी बना हुआ है, ग्राउंड फर्स्ट और फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, तो इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले। तो चलो इसका ग्राउंड फ्लोर आपको क्लियर कर देते हैं, लेकिन उससे पहले पूरा प्रॉपर आपको हम ये बता देते हैं कि फ्रंट आपका ये होने वाला है, जिसमें राइट हैंड साइड पे आपका देखिएगा बेडरूम बना है, उसी पे विंडो का डिजाइन ये और ऊपर डिजाइन, इसका ये आपको एक बारंदा टाइप का मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें साइड व्यू की, तो ये देखिएगा यहाँ पर एक पोर्च डिजाइन बना हुआ है और इधर आपका किचन बनी है, तो जिसमें वेंटिलेशन के लिए बाहर से विंडो लगी है जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन की। अब बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि ऊपर आप देख सकते हैं कि ये छूट गया किसी कारणवश, तो आप उसे इग्नोर करें। तो ये देखिए ग्राउंड फ्लोर पर क्या है कि यहाँ से जैसे आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप बारंदे में आते हैं। बारंदे के बाद आपको जस्ट एक डोर मिल जाता है जिसे आप गेस्ट रूम में एंट्री कर लेते हैं। गेस्ट रूम में पहुंचने के बाद यहाँ से डोर है तो आप अंदर भी जा सकते हैं। इसके बाद इधर की बात करें तो इधर से आप आएंगे पोर्च मिलता है, पोर्च में ये डोर लगा है, विंडो लगा है वेंटिलेशन के लिए ये, और इससे आप एंट्री करेंगे अंदर तो आप पहुंच जाते हैं अपने आंगन में या डाइनिंग हॉल में। इसके बाद आपको एक ये बेडरूम जो कि मैंने पहले डिस्कस किया वो है, इसका एक ये बेडरूम आपको कॉर्नर पर मिलता है और ये आपकी स्टेयर्स जिससे आप ऊपर जाएंगे। और वहीं इधर की बात करें तो ये आपका देखिएगा ये आपका विंडो है और इसके जस्ट साइड में किचन है। इसके बाद अंदर जाते हैं तो ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं जो एरिया बना हुआ है, ये आपका लेटरिन बात यहाँ पर बना है, इसे आप स्टोर बना सकते हैं या तो आप इसे पूरे को लेटरिन बात बना सकते हैं। मैंने पार्टीशन कर दिया, आप इसे हटा सकते हैं, इसे पूरा लेटरिन बात, ये किचन, ये बेडरूम, ये बेडरूम और ये आपका डाइनिंग हॉल बोल सकते हैं, ये बरामदा और पोर्च। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई, मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ जिससे आप देख सकते हैं इसका रियलिस्टिक व्यू वगैरह देख ले कैसा बना हुआ है, डिजाइन क्या है और इसका डोर का। और इधर भी मैंने दोस्तों ये जो था ना इस पे मैंने देखिएगा कट दी है विंडो का व्हाइट कलर का। तो ये ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर बनता है। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पर मैंने सिर्फ ये वाला कॉम्बिनेशन जो है ना पोर्च पर वॉल चारों तरफ बनाया है, उसमें ये देखिए रेड कलर का डार्क रेड जो है ये एक डिजाइन बनाया है। इधर आज इस कॉर्नर की बात करें यहाँ पर कॉर्नर को मैंने यहाँ पर ईंट जो होते हैं ना उसका यहाँ पर टेक्सचर दिया है। तो ये ग्राउंड टॉप व्यू देख सकते हैं, हालांकि ग्राउंड फ्लोर वही है। बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर पर ये चीजें देखिए बनी है, ये देखिए ये दोनों ये जो बेडरूम था ना ये वाला वही बेडरूम है, ये यहाँ पर इसको सेपरेट कर दिया और इससे होते हुए इसी बेडरूम पे जा पाए। किचन और लेट बाथ वाला एरिया सेम है, सिर्फ जो डाइनिंग हॉल था उसमें मैंने यहाँ पर ये देख सकते हैं चारों तरफ से पूरा आपका ग्राउंड टाइप का दिख रहा है, ये ओपन स्पेस रहेगा लास्ट पे। तो ये देखिए यहाँ पर डिजाइन भी मैंने दिया है, ये रेड कलर का इधर भी डिजाइन दिया है, लास्ट में यही आपकी वॉल हो जाती है और ओवरऑल मॉडल ये
कंप्लीट हो जाता है 24x33 में। तो एक बेहतरीन सा प्लान है, अगर आप इसका 2D चाहते हैं तो आप अपने सेक्शन बताइएगा, लेकिन वो हमारी पेड सर्विस होगी, आपको कुछ पे करना होगा तभी आपको इसका 2D ऑर्डर मिलेगा। या आप कोई मकान बनवाना चाहते हैं तो आप में हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर है हमारा, वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम हाउस क्रिएट करते हैं। लेकिन वो हमारी पेड सर्विस होती है, आपको 50% पहले पे करना होता है, 50 बाद में, इसका विशेष ध्यान रखें। तो मॉडल अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर हमारे चैनल से आपको थोड़ा बहुत भी हिंट्स मिलता है मॉडल क्रिएट करने के लिए घर के ट्रेन में, तो आपसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स वॉचिंग।